हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी सब ठीक है। आज मेरी तबीयत में पूरा सुधार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सिर भारी भी नहीं है, शरीर टूट भी नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है। और बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए। इनका नाश्ते में थे आज परांठा, दूध और मम्मी जी चाय हो गई है। अब मम्मी नहा रही है, आज जल्दी नहा रही है। आज मम्मी सुबह सुबह इमोशनल हो गई थी क्योंकि थोड़ी सी टेंशन ले गई थी। आज मम्मी का आँख का ऑपरेशन है ना, सो हो सके ऐसे रात में बेचारी सोचती सोचती डर गई हो या कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा रोई सुबह सुबह, हाँ रात ने लेट तक नहीं सोई क्यों, नींद नहीं आई। मम्मी का है ही ऐसा कि जब पता चल जाता है ना कुछ होगा तो नींद नहीं आती, टेंशन ले जाती है। मैं बताना नहीं चाहती थी कि भाई सुबह जाना है 8 बजे। मैंने सोचा कि बता देती हूँ, फिर सुबह सुबह फिर वही दिक्कत आएगी क्योंकि मम्मी थोड़ी सी स्लो चलती है हर काम में, तो फिर बोलती कि मैंने जल्दी नहीं बताया, मेरा ये काम नहीं हुआ। इसलिए मैंने रात ने बता दी थी कि भाई आराम से उठ लेगी। तो पर रात ने बताने से एक नुकसान हो गया, पूरी रात सोई नहीं, टेंशन लेती रही। सुबह उठती देखा तो मैंने रोने लग गई। अब टेंशन तो होती है भाई, ये सोच के कि क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, ऐसे करके ना रोने लग गई। आँख का ऑपरेशन है, पता नहीं कैसा रहेगा, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए तो मैंने कोशिश करी पूरी खुश करने की, पर मैं कामयाब रही। मैंने पहले खूब मस्ती करी मम्मी के साथ में, मजाक करी, हंसी करी, फिर मैंने घर पे फोन मिला दिया, सभी को डांट दिया कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती। मैंने घर पे फोन मिलाया और सभी से मैंने बात कराई। मम्मी थोड़ी सी नॉर्मल हो गई और मम्मी इब गई है नहाने के लिए, फिर मम्मी का मैं खाना बना दूंगी, फिर हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। और बच्चों का थोड़ा सा लेट है आज, लेट तो वही है, टाइमिंग तो मम्मी का जल्दी है, इसलिए 1 घंटे का गैप हो गया बच्चों को और मम्मी का। शायद मैं बाद में जाऊंगी, मम्मी पहले चली जाएगी अपने बेटे के साथ में, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जाऊंगी। और मैंने पूरा काम कर लिया है, मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया है और रसोई का भी काम हो गया है, बच्चों को सब कुछ दे चुकी हूँ। और मम्मी निकलेगी, मम्मी का खाना और मेरा, आज हम नाश्ता नहीं बनाएंगे, सिर्फ बच्चों का बनाया मैंने, क्यों आज मम्मी को रोटी खिला के लेके जाऊंगी। पता नहीं कितना टाइम लग जाए इसकी वजह से, 3-4 घंटे तो बोल ही रहे हैं ये, 3-4 घंटे लगेंगे तो इसलिए। और आज का मौसम आपको मैं दिखा देती हूँ, गुड़गांव हो रही है बारिश। मैं उठी थी उससे पहले, आके जा चुकी थी और फिर से बारिश हो रही है। देखो बारिश आ रही है, मौसम बादल कर रखे हैं, खराब है ये मौसम, अच्छा नहीं है क्योंकि इस टाइम पे लावणी आई हुई है गेहूँ की, वो ख़राब हो जाएगी। किसान इतनी मेहनत करते हैं तो ये बारिश कहीं ना कहीं नुकसान कर जाएगी। कोई ये सोचे कि भाई थोड़ा सा फालतू कुछ हो जाए, तो भगवान फालतू किसी को देता नहीं है, जिसके जितना हिस्सा का होता है ना उतना ही मिलता है। मेरा काम हो गया है, मम्मी को भी खाना खिला दिया है, जो गांव से आए उनको भी खिला दिया है, और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल, फिर लेके जाएंगे मम्मी को हॉस्पिटल। मम्मी रेडी हो गई है अपनी आग बनवाने के लिए, कोई दिल में बात है तो काट जी रही। अच्छा। बाद में सोच कर आंसू खराब हो जाएगी, आग बता रही सुन आज तेरे साथ ही जा सकी, रोई तो फिर देख बता, मम्मी नो रही तू मेरे साथ ना जा रही, इसलिए मन रोज आ गए। मैंने सोचे भाई मम्मी ने तो 8 बजे बुलाया, बच्चे का स्कूल 9 बजे, मैं कैसे जाऊंगी, मैं बाद में मिल जाऊंगी, बता सोच कर रोन लाएगी, जुलम हो गई। अरे मैं साथ जा रही हूँ, अब खुश है मम्मी? बिल्कुल बिल्कुल। पहुंच गए हैं ना, दवाई तो ना लाए हम, बताने सी थी तो पहुंच गए मम्मी, अंदर आ गई है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, 10-5 मिनट का काम है।
अब जाएगी थोड़ी देर बाद, 3 पेशेंट के बाद मम्मी का ही नंबर है। बीपी वगैरह चेक करेंगे मम्मी का, फिर लेके जाएंगे। मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी अंदर गई हुई है ऑपरेशन करवाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है, पता नहीं वेट कर रही है, कैसे शुरुआत हो गई कोई पता नहीं। मम्मी का ऑपरेशन हो गया है और अभी अंदर नहीं बुला रही, हमने थोड़ी सी झलक देखी है। जा रही हूँ मम्मी को लेने के लिए, देखती हूँ कहाँ बैठ पाएगी। चले मम्मी, दर्द हो रहा है ना, चलो तो हाथ पकड़ो। मैं पूछूंगी, चल पूछ लेते हैं बाहर आ जाओ, बता देंगे क्या क्या। हाँ ना दीख, मैं तभी तो हाथ पकड़ रही हूँ। बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ। ये टेबलेट दे दो आप, पहुंच गए हैं मम्मी को लेके। और मम्मी बिल्कुल अभी ठीक है, मम्मी कर रही है अब रेस्ट, और मम्मी की पट्टी खुलेगी थोड़ी देर बाद, अभी टाइम लगेगा। उसके बाद पट्टी खोलने के बाद सेम टाइम ही दवाई डलेगी और फिर मम्मी रहेगी रेस्ट पे। बिल्कुल देखो कितनी तेज बारिश आ रही है हमारे यहाँ पे, दमादम ऐसी मोटी मोटी बारिश आ रही है। बिल्कुल थोड़ी देर में तो भर जाएगा रास्ता भी, बिल्कुल बालकनी में भी पानी भर गया है, कुछ ज्यादा ही तगड़ी आ रही है आज तो, कल तो फिर भी थोड़ी थोड़ी थी। देखिए बता दी, दर्द वगैरह होता है, आँख बंद कर दे, बाप मत चिपकी पड़ी करती, आँख बंद रखी तो भीतर की अपनी ने। माँ की दर्जे अवस्था रो सो, आग की क्या हो रही है अनबॉक्सिंग, न्यू आग की चली। अरे मम्मी खेचूंगी तेरे गाल बन चिपक रहा, खाम का झटको लाग गया था आके, थोड़ी थोड़ी पाड़ लू मैं हर तरफ से ही ना, रिक्स ना ले सको तो डॉक्टर से किम भी कर सके ऐसे। मम्मी की होगी ये आँख की अनबॉक्सिंग, काफी टाइट चिप्स। दर्द हो रहा है मम्मी? ये निकले आँख का कवर, देखो बेटे की कैसी हालत, छाती पकड़ रखी से उनका जुलम हो गया। अब दवाई डाल दी मम्मी की आंख में है ना, चश्मा। मम्मी की मैंने पहली दवाई डाल दी है, क्योंकि तो दिन में 6 बार डलेगी, ये भी डाली अब 10 मिनट बाद। क्या टाइम है बोलो? देख लो 4:15। हाँ तो 4:25 पे डलेगी दूसरी दवाई मम्मी। और मम्मी चश्मा कहाँ है? देखिए
गई तो चिप गए काला चश्मा जसता है जसता है गोरे गोरे मुकड़े पे पता मैं सासु बहुत दोनों टेंशन ले रखी से हन मम्मी राम जी कहा गड़ गड़ कर रहे से नाज की ऐसी तैसी हो गई के कर सका पूरे साल तो कमावा से किसान है ना मम्मी और ई बात है ना इस खेती की ऐसे तैसी कर जैसे जमींदार कती धरती मार दे से मतलब जमींदार आदमी के करे थारे पहले हुआ करता मम्मी ऐसे दो साल पहले वैसे गिरा था ना बता रेवाड़ी साइड में भी पड़ा था और अब की बार रेवाड़ी साइड में सब मोटा मोटा वाला पड़ा से सारी करती खराब है गेहूं की भी बाजरा की भी। मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए मम्मी कर रही है रेस्ट और ये छोटू आया हुआ है छोटू देख रहा है मोबाइल में कार्टून कैसा लग रहा है वन से क्या अच्छा लग रहा है ये बताओ यहाँ आना अच्छा लग रहा है ये कार्टून अच्छा लग रहा है कार्टून यहाँ आना अच्छा नहीं लगा देख ले शैतान अब यहाँ करता है कभी ना करता है कंफ्यूज बच्चा है ये हमारा है फिर आके करूंगी डिनर की तैयारी आ गए थे दूध लेने के बाद हमने बनाई पेठे की सब्जी और मम्मी जी को मैंने दे दिया खाना मम्मी फ्री है मम्मी का नंबर आ गया आँख में दवाई डालने का क्योंकि जल्द जल्दी डल रही है तीन दवाई दे रखी है डालने के लिए तो मैं डालूंगी मम्मी की दवाई बताऊ आज हम दूध लेने गया था एक मोटरसाइकिल आ रहा ना इतना भूंडो पड़े मम्मी जैसे मैनू चल रही थी जस्ट मेरे सार है इतना भूंडो बेचारा लग गई आगा मोटरसाइकिल का भी एसी सा ना ये भी टूट गया बेचारा का रिपट हो गया बारिश का माए रोड के ऊपर पन्नी पड़ी थी तो वो तेल वाली पैकेट नहीं बस पन्नी मोटी सी थोड़ी सी वही पन्नी थी वह ऊपर स्लिप होगा मम्मी सुगर आगे कोई गाड़ी गुड्डी ना थी नहीं तो गाड़ी के नीचे आ जाओ छोरो बच गो बेचारा पर मोटरसाइकिल नुकसान से गणो पर छोरा थोड़ा सा हाथ के ज्यादा लग गई नीचे दब गयो ना पहली बार मन था ऐसा देखियो मेरे तो सिर आया भटक गयो मम्मी कहती की बताओ मैं तो सिर में कुछ बढ़ गयो भड़काओ सुला एकदम ना मम्मी वो चला भी रहे हो तो आराम से हमने देखी थी ना वो धीरे ही थी मोटरसाइकिल तो पर बेरो ने वो रिपटो क्यों रिपटे एक पन्नी ऊपर तो रिपट गयो कत्ती अरे एक पर आता रहे थे वो टच भी ना हुए बेचारो बात वो तो दूर ही थो पर वो घिसड़ती घिसड़ती वह कन्नू गई कत्ती घबरा गया हम तो एकदम देखते मेरे तो सिर मम्मी पहली बार देखे मन तो देख मेरे सामने पहले कद ना हुई होने शनिवार को दिन अच्छो शनिवार चढ़ गए बेचारा नुकसान तो गणो इसमें मोटरसाइकिल में तो आगे की शायद लाइट भी फूट गई वो इंडिकेटर ऐसा ना वे भी टूट गया शीशा भी टूट गया और की मोटरसाइकिल में नुकसान से ये बताऊ रहे ना बिहारी वारी वैस रहस वो नू ही कूड़ा दाड़ कड़ा घेर दे से पन्नी पूरी निकल का जा से नहीं तो रोड के ऊपर ना पन्नी ना गिरनी चाहिए कदे भी और के पन्नी ना गिरनी चाहिए कदे भी इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ इंसान को मैं तो सभी को यही बोलूंगी कोई भी पन्नी वगैरह बाहर ना फेंके ना कूड़ा का माई डाले अपने जड़ा दे तो कम से कम किसी को नुकसान तो ना हो गाय वाय भी खा जाए अगर जब भी नुकसान है और इंसान के मोटरसाइकिल साधन के नीचे किसी का भी जाए टू व्हीलर के माए और के उसमें भी नुकसान ही है इंसान का भी और गाड़ी घोड़ा का भी है बस इतनी वो ही तो कहूँ सो सभी यही बोल रहा था आगे से कोई साधन ना तो खाली रोड तो कती मम्मी अगर आगे से अगर गाड़ी आ जाती ना तो कती सीधे घिसड़ते नु गए या गाड़ी के नीचे जाओ तो पक्का कुछ ना कुछ होता फिर हाथ पाव टूट तो मोर न तो हमारा सबका काम हो गया है सबने हमारा डिनर हो गया है और दूध भी हो गया बच्चों का मेरे मैंने बर्तन भी धो लिए रसोई भी साफ हो गई है और हमारा छोटू सो चुका है ये दिखाती हूँ आपको मैं देखो कैसे सो रहा है सारा काज मन तो लगा पर लगा लिया बेचारा कई बार याद आई मम्मी तो आज ही पहली बार याद आई पिछली बार 7 दिन रुक के गया था बिल्कुल भी याद नहीं आई इसके पर आज थोड़ा थोड़ा मन उछट गया इसका क्योंकि हम चले गए थे हॉस्पिटल इसको छोड़ के तो इसलिए परिवार नहीं था घर पे तो इसलिए हो गया बच्चा है मन तो उछट ही जाता है अब कर रहे हैं हम सोने की तैयारी गुड नाइट गाइज
अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। गुड नाइट गाइज।